बीते दिनों गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत हुए गोलीकांड में पीड़ित संजय निषाद की पत्नी रानी एक दर्जन ग्रामीण महिलाओं के साथ पहुंची एसपी ऑफिस। एसपी कार्यालय पहुंच पीड़ित की पत्नी रानी व अन्य ग्रामीण महिलाओं ने प्रार्थना पत्र देकर एसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। पीड़ित की पत्नी रानी का आरोप है कि गोलीकांड में नामजद चारों आरोपी गढ़ बना रहे सुलह करने का दबाव व दे रहे जान माल की धमकी। आरोपितों द्वारा बराबर दबाव बनाया जा रहा है जिससे ग्रामीणों में है दहशत का माहौल। मेरा अरे भैया मेरे भाई को गोली मार दिया, अभी हमें इंसाफ नहीं मिला। मारने के बाद भी लोग बाहर घूम रहे हैं और हमें धमकियां भी दी जा रही हैं। मेरा नाम पुष्पा निषाद, मेरे भाई का नाम संजय निषाद, मैं उसकी बहन हूँ। फिर भी आज हमारे घर फोर्स न जाने के कारण उन्हीं लोगों ने आज धमकियां दी, बोला कि अगर दूध लेके गए जान से मार दिया जाएगा। मेरे भैया को, साले को और हम लोगों को गालियां दी जा रही हैं, इसलिए हमें इंसाफ चाहिए, तभी हम लोग यहाँ आए हैं। मारने के बाद भी लोग बाहर घूम रहे हैं, बताइए इस तरीके से कातिल बाहर घूमेंगे तो इंसान आम इंसान कैसे जिएगा, ये भी बताइए मेरे भैया। अरे हाँ भैया अंदर गए थे तो उन्होंने बताया कि इंसाफ दिया जाएगा आपको, लेकिन अभी चार दिन हो गए, पांच दिन गिरफ्तारी नहीं हुई। मेरे भाई हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, बताइए ना, कोई झूठ बोलता है इस तरीके से? हमें इंसाफ चाहिए। सामने वाला लोग बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, ये लोग अपने हाथ से मारा, कोई अपने हाथ से मार सकता है? नहीं मारता ना कोई अपने हाथ से। हाँ भाई आज हमारे घर पे आज भी धमकियां दी गई, चट्टे पर घर से रोड के किनारे से गाली देते हुए हमारे चट्टे पर गए, वहाँ बोला कि अगर दूध लगाया भाग जाओ, दूध लगाना छोड़ दो भैंसी का, इसीलिए वरना तुम सबको भी मार दिया जाएगा, हमारे घर में आदमी नहीं है। आरटीआई न्यूज 24 से संवाददाता फरमान की रिपोर्ट। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरटीआई न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।